ड्रामा की शुरुआत में हम होगुही को देखते हैं जो अपने घर में जुंगदियोखी को ढूंढ रही होती है, जो उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है और बोलती है, जुंगदियोखी क्या तुम यहाँ हो? लेकिन उसे वहाँ भी वो नहीं मिलती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है और चायुन वू के खिलाफ रूमर्स फैलाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा होता है, पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में जुंग डियोक ही बैठी हुई होती है, तभी होगू ही आती है और उसे देखकर डियोक ही सोने की एक्टिंग करने लगती है। तब जुंग डियोक ही से होगू ही बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुंग डियोक ही बोलती है कि मैं नैप लेने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। फिर होगू ही बोलती है, जुंग डियोक ही क्या हुआ? कल तुम अचानक मेरे घर से क्यों चली गई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जुंग डियोक ही क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? लेकिन डियोक ही कुछ जवाब नहीं देती है। फिर एक दूसरी लड़की जो उन लोगों के पास बैठी थी उसने बोला, मुझे कल कॉन्सर्ट का टिकट मिल गया है। ये सुनकर जुंग दियोक ही जोर से बोलती है, क्या? और फिर जुंग दियोक ही उस लड़की के पास जाकर बोलती है, क्या तुम मुझे अपनी टिकट दे सकती हो? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर प्लीज मुझे अपनी टिकट दे दो। तब वो लड़की बोलती है, नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर हमें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बोलती है, मैं चायुन वू के बहन हूँ, पर उसने मुझे कार में बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर क्लास के सारे बच्चे चायुन वू के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और फिर होगू ही बोलती है, किसी के बारे में जब तक अच्छे से जान ना लो कि क्या सच है क्या झूठ, तब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि यह लड़की झूठ बोल रही हो। फिर जीहून का दोस्त जीहून से पूछता है, क्या होगू ही भी चायुन वू की फैन है? तब होगू ही सोचती है कि मुझे अब जुंग दियोक ही को सब कुछ बताना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि होगू ही चायुन वू को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। तब उसी समय होगू ही का भाई आता है और बोलता है कि कुछ देर तक उसका कॉल नहीं लगेगा। मैं तुमसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा था कि होगू ही को बोल देना कि मेरी चिंता नहीं करेगी, और इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर होगू ही अपनी दोस्त जुंग दियोक ही को मैसेज करती है कि क्या तुम अभी भी बिजी हो, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये देखकर होगू ही बहुत उदास हो जाती है। फिर उसे रिवेंज गॉडेस का नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप रिवेंज गॉडेस यूज करना चाहती हैं। फिर होगू ही सोचती है कि मुझे अभी पता नहीं है कि वो वीडियो कौन अपलोड किया था, इसीलिए अभी यूज नहीं करूंगी। फिर हमें चायुन वू को दिखाया जाता है जो परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि आज का परफॉर्मेंस नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। फिर परफॉर्मेंस करने वाले सब मेंबर्स चायुन वू को ब्लेम करते हैं, जिससे वो बेचारा उदास हो जाता है। फिर हम हमारी हो वो जा नहीं पाती, लेकिन तभी उसकी दोस्त जुंग दियोक ही आती है और अपना अम्ब्रेला निकालती है, लेकिन हो गू ही को नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है? कोई बात नहीं, चलो मैं अपना अम्ब्रेला तुम्हारे साथ शेयर कर। गू ही को देखते हैं जो स्कूल से घर जाने ही वाली होती है कि तभी बारिश होने लगती है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता, इसीलिए लेती हूँ। और जुंग दियोक ही होगू ही को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर होगू ही बहुत शॉक्ड हो जाती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। ये देखकर जीहून का दोस्त जीहून को अपना अम्ब्रेला देकर बोलता है, लो भाई और जाओ अपने हीरोइन के पास। फिर जीहून अम्ब्रेला लेकर हीरो के जैसे अपनी हीरोइन को बारिश से बचाता है, लेकिन ये देखकर हमारी होगू ही बहुत रोने लगती है। फिर होगू ही अपने घर जाती है, तभी उसकी मॉम वहाँ सफाई कर रही होती हैं और होगू ही से बोलती है कि ये एल्बम यहाँ कौन रखा है? होगू ही, ये जहाँ था इसको वही रखो। तब होगू ही अपने भाई से पूछती है कि ये एल्बम तुमने यहाँ क्यों रखा है, लेकिन उसका भाई बोलता है, मैंने यहाँ नहीं रखा है, हम मुझे याद आया तुम्हारी जब दोस्त आई थी ना तो उसने मुझसे एल्बम मांगा तो मैंने दे दिया था। फिर होगू ही उस एल्बम को देखती है, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जुंग दियोक ही उस एल्बम को देख रही होती है और फोटो को देखते हुए बोलती है, होगू ही छोटी थी तो कितनी प्यारी थी। फिर अचानक वो होगू ही को चायुन वू के साथ फोटो में देखती है और बहुत उदास हो जाती है और उसका फेसेस गुब्बारे की तरह फूला होता है। फिर फ्लैशबैक के बाद हम देखते हैं कि होगू ही अपने भाई को चिल्लाते बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो मेरा सीक्रेट था, और फिर अपने भाई को बैग से पीटती है। फिर हम जुंग दियोक ही के पेरेंट्स को देखते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं, तभी उनके घर की बेल बजती है और जुंग दियोक ही की मम्मी बाहर आती हैं और फिर उन्होंने देखा कि कोई बाहर नहीं है लेकिन जुंग दियोक ही के लिए पार्सल है। फिर डियोक ही की मम्मी डियोक ही से बोलती हैं कि तुम्हारे लिए ये पार्सल होगू ही ने बाहर रखकर कहाँ चली गई। फिर जुंग डियोक ही देखती है कि उसमें बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स और चायुन वू का ऑटोग्राफ भी होता है और एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी जुंग डियोक ही, मैंने तुमसे चायुन वू के बारे में छुपाया, पर सचमुच मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाली थी कि चायुन वू मेरे भाई का दोस्त है जिससे मेरी भी उसके साथ दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, खराब कर दिया। और देखो मैंने चायुन वू से खास तुम्हारे लिए कार्ड्स पर साइन करवा लिए थे।
ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। लेकिन मेरे भाई ने सब फिर हमें दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है, होगू ही और जुंग दियोक ही, जो सामने होकर भी फोन पर चैटिंग में बात कर रही होती हैं। फिर होगू ही जुंग दियोक ही से बोलती है कि आज ये सारा चिकन तुम्हारा है, तुमको जितना खाना है खाओ। ये सुन के दियोक ही चैटिंग करना बंद करके तेजी से बोलती है, क्या सच्ची होगू ही तुम कितनी अच्छी हो। फिर जुंग दियोक ही और होगू ही ऐसे गले मिलते हैं जैसे कि जन्मों से बिछड़े हो। ये देखकर होगू ही के पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं इनको आज क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि जुंग दियोक ही बोलती है कि चा युन वू के बारे में गलत अफवाह फैलाने वालों का मैं पता लगाऊंगी। ये सुन होगू ही बोलती है, थैंक्स जुंग दियोक ही, तुमने मेरे बारे में सोचा। फिर होगू ही बोलती है कि तुम्हारे लिए नहीं, चा युन वू के लिए है। तब होगू ही उसको देखती है। फिर हम देखते हैं कि जुंग दियोक ही और सभी चा युन वू के फैंस अफवाह फैलाने वाले को ढूंढने लगते हैं। और फिर जुंग दियोक ही को उस लड़की का एड्रेस मिलता है जिसने उस वीडियो में बोला था कि चा युन वू ने मुझे कार में बुलाया था। फिर जुंग दियोक ही होगू ही को उस लड़की का एड्रेस देती है, एड्रेस नाम था DMS DNZL। फिर होगू ही उस एड्रेस को अपने रिवेंज ऐप में डालती है। फिर वीडियो रूमर्स फैलाने वाले आदमी के पास मैसेज आता है कि आप किसी के रिवेंज का टारगेट बन चुके हों। फिर सारे फैंस उस एड्रेस वाली जगह जाते हैं और जुंग दियोक ही बोलती है कुछ लोग लेफ्ट साइड जाइए और कुछ लोग राइट साइड। लेकिन जुंग दियोक ही वहीं खड़ी होती है और तभी एक लड़का आता है और जुंग दियोक ही पूछती है कि आप इस जगह के मैनेजर हैं, क्या आप मुझे यहां का CCTV कैमरा चेक करने दे सकते हैं। फिर वो लड़का उसे CCTV दिखाता है और बोलता है ये बहुत पुराना है, इसीलिए सही से काम नहीं करता है, इसमें कुछ साफ से दिख नहीं रहा है। फिर जुंग दियोक ही वहां से चली जाती है, लेकिन वो सोचती है कि इस लड़के को मैंने शायद कहीं तो देखा है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो न्यूज़ देखकर बहुत नर्वस हो जाती है और फिर किसी को कॉल करके बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं हम पकड़ ना जाएं। फिर उधर से वो कुछ बोलता है तो ये लड़की बोलती है हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंग दियोक ही होगू ही के रेस्टोरेंट जा रही होती है। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर जुंग दियोक ही पीछे देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता है। फिर जुंग दियोक ही आगे जैसे ही देखती है कोई उसे किडनैप कर लेता है। तभी उसका डॉल जिसे वो हमेशा अपने पास लिए रहती है और वह गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जी हून और उसका दोस्त होगू ही के रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। तभी वह अचानक रास्ते में जुंग दियोक ही की डॉल देखते हैं और जी हून का दोस्त बोलता है कि ये तो जुंग दियोक ही का डॉल है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तब उनको एक कार दिखाई देती है जिसके पीछे वाली सीट पर जुंग दियोक ही बैठी थी। ये देखकर दोनों उस कार का पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। लेकिन दोनों ने कार का नंबर नोट कर लिया था और उससे ढूंढते हुए आगे आते हैं। तभी उनको वो कार दिखती है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बोलते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर उस आदमी को देखते हैं जो जुंग दियोक ही को डरा रहा था और बोल रहा था कि तुमको हमारे रास्ते में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया है तो अब उसकी सज़ा भी तुमको मिलेगी। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो बाहर की तरफ भागता है जहाँ उसको जी हून और उसका दोस्त पकड़ के मरने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जी हून और उसका दोस्त और जुंग दियोक ही मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे होते हैं। फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जिसने चा युन वू के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। उसको अरेस्ट कर लिया गया था जब वह देश छोड़कर जा रही थी। फिर वो इंटरव्यू में बताती है कि ऐसा मैंने और मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब कि वो लड़का, इसलिए कर रहे थे क्योंकि चा युन वू की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड जो एस्ट्रो का मेंबर था उसे हटा दिया गया था। तभी उधर हम हमारी हू को देखते हैं जो इस न्यूज़ को देख रही थी। फिर उसे जुंग दियोक ही का कॉल आता है। फिर होगू ही बोलती है जुंग दियोक ही क्या तुम ठीक हो। फिर जुंग दियोक ही रोते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ होगू ही, लेकिन क्या तुम मुझे कॉन्सर्ट का टिकट दे सकती हो। तब होगू ही बोलती हाँ। फिर कॉल करने के बाद होगू ही देखती है कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा था आपका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। इसको देख होगू ही सोचती है कि दियोक ही तो किडनैप थी तो फिर रिवेंज किसने कंप्लीट किया। फिर हम देखते हैं जुंग दियोक ही और उसकी मॉम को जो एस्ट्रो के कॉन्सर्ट पर जाती हैं, जहां जुंग दियोक ही को स्पेशल इनवाइट किया जाता है। फिर जुंग दियोक ही और उसकी माँ एस्ट्रो के मेंबर्स से मिलती हैं। एस्ट्रो मेंबर्स उन दोनों का इतने अच्छे से वेलकम करते हैं, कसम से बहुत क्यूट थे भाई वो सब। फिर जुंग दियोक ही की मॉम चा युन वू को नूडल्स देती है खाने के लिए और बाकी दूसरे मेंबर्स के साथ फोटोज़ क्लिक करवाती है। उधर दियोक ही चा युन वू के पास बैठी हुई थी। तब चा युन वू उसकी हेल्प करने के लिए जुंग दियोक ही को थैंक्स बोलता है। फिर जुंग दियोक ही बोलती है क्या तुम कॉन्सर्ट के बाद होगू ही के रेस्टोरेंट चलोगे। फिर चा युन वू मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है। फिर हम जुंग दियोक ही को देखते हैं जो टीवी देख रही होती है। तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है। फिर हम देखते हैं कि डोर के बाहर होगू ही होती है जो सूटकेस के साथ आती है और रोते हुए दियोक ही को गले लगा लेती है। फिर जुंग दियोक ही से पूछती है क्या हुआ तुम सूटकेस के साथ, सब ठीक है ना। तब होगू ही एक सांस में एक ग्लास जूस पीकर बोलती है अब अपने घर नहीं जाऊंगी क्या।
मैं यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिनों तक रह सकती हूँ? तब जुंग डियोक ही पूछती है, अरे हुआ क्या है ये बताओ। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हो गु ही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जिसको देखकर हो गु ही की मॉम उसे जोर से डांट देती है और बोलती है, हो गु ही आराम से खाओ, खा खा कर मोटी हो गई हो, देखो तो जरा अपने भाई को कितना पतला हो गया है। ये बोलकर उसकी मॉम अपने बेटे को बड़े प्यार से खाना खिलाने लगती है। ये देख हो गु ही को गुस्सा आ जाता है। फिर हो गु ही खाना छोड़कर चली जाती है, अपने भाई के लिए भी कुछ बचाओ। फिर हम देखते हैं कि हो गु ही और उसका भाई साथ में बैठे होते हैं और हो गु ही को भूख लगती है। फिर हो गु ही अपने भाई से बोलती है, मैं नूडल्स बनाने जा रही हूँ, क्या तुम भी खाओगे? तो उसका भाई बोलता है, नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर हो गु ही बोलती है, पक्का ना नहीं खाओगे? फिर बाद में तुम्हें मैं नहीं दूंगी। फिर उसका भाई बोलता है, मुझे चाहिए भी नहीं। फिर हो गु ही नूडल्स बना के खाने लगती है। तभी उसका भाई आ जाता है और बड़े प्यार से बोलता है, मुझे भी बस एक बाइट दो ना, बहुत टेस्टी दिख रहा है। फिर हो गु ही बोलती है कि तुमने तो बोला था मुझे नहीं खाना है, लेकिन फिर भी खा लो, लेकिन बस एक ही बाइट ही खाना। फिर उसका भाई एक बाइट की जगह जल्दी जल्दी सारा नूडल्स खा डालता है। ये देख हो गु ही बहुत चिल्लाती है। तभी उसकी मोम आ जाती है और उसे फिर चिल्लाती है कि तुम अपने भाई से बस एक नूडल्स के लिए लड़ रही हो, और अपने बेटे की साइड लेती है। ये देखकर हो गु ही अपने रूम चली जाती है और प्रेजेंट में फिर हम देखते हैं कि जोंग डियोक ही हो गु ही से बोलती है, तुमने बस एक नूडल्स के लिए घर छोड़ा है क्या? फिर हो गु ही बोलती है, नहीं। और फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हो गु ही को उसका भाई बहुत सारा स्नैक्स देता है और हो गु ही बोलती है, हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हारे भाई ने जो कहा ठीक ही तो कहा है, और वो भी उसका मजाक उड़ती है। फिर हो गु ही जुंग दियोक ही से बोलती है, मैं अपने घर जा रही हूँ, ये सच में मेरे लिए है, आज तुम इतने मेहरबान क्यों हो? फिर उसका भाई बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं और तुम अपने रूम में ही रहना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल मेरे दोस्त देखकर मेरी इंसल्ट करें। फिर हम देखते हैं कि होगु ही अपने घर आती है। फिर उसका भाई उसे डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर होगु ही डर जाती है और अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या जवाब दूं कि क्यों घर छोड़कर गई थी। तभी उसका भाई बोलता है, बोलो तुमने मेरे कंप्यूटर को क्यों छुआ? ये सुनकर होगु ही बोलती है, मैंने नहीं छुआ, और मम्मी पापा कहाँ हैं? तब होगु ही का भाई बोलता है, और छुना भी नहीं, मम्मी पापा सो रहे हैं और तुम भी सो जाओ। फिर होगु ही सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर चली गई और आ भी गई, लेकिन मेरे घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में सब बैठे थे। तभी होगु ही देखती है कि डियोक ही अपना बैग लेकर कहीं जा रही है। फिर होगु ही पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तभी जुंग डियोक ही बोलती है कि मैं चा युनवू से मिलने जा रही हूँ। फिर वहां से चली जाती है। तभी होगु ही के पास नैन ही आती है और बोलती है, आज तुम अकेली बैठी हो। और फिर होगु ही का मेकअप करने लगती है और बोलती है कि तुम जीहून की दोस्त हो ना, तो क्या तुम मुझे और जीहून को मिलवाने में मेरी हेल्प करोगी? और फिर उसे एक लिपस्टिक देते हुए बोलती है, इसको तुम ले लो, तुम्हारे ऊपर ये लिपस्टिक अच्छी लग रही है। फिर होगु ही के ना कहने पर भी उसको लिपस्टिक देकर चली जाती है। और फिर स्कूल से घर जाते समय फिर से नैन ही होगु ही के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे बोला है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुमको एक बार जाना चाहिए, और उसे बार बार फोर्स करती है कि जाओ ना होगु ही, एक बार मिल लो, वो रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर होगु ही न चाहते हुए भी जाती है और फिर उसका एक्स लीसी वो बोलता है कि क्या बात है होगु ही, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अरे वाह तुमने तो मेकअप किया है। और फिर बंदर की तरह खाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम नान ही को देखते हैं जो स्कूल के बाहर जीहून का वेट कर रही होती है और उसके आते ही बोलती है, जीहून चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और आज तुम्हारे लिए सब फ्री पैसे में पे करूंगी। फ्री का नाम सुनते ही जीहून का दोस्त बोलता है, चलो ना यार। फिर उसके कहने पर वो लोग उसी रेस्टोरेंट जाते हैं जहां हो गु ही और उसका एक्स था। फिर जीहून का दोस्त बोलता है, अरे यहाँ तो हो गु ही भी है। तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती और बोलता है, ये लड़का? तब हो गु ही बोलती है, क्या तुम इसको जानते हो? फिर जीहून का दोस्त बोलता है, हाँ तुमने इससे ब्रेकअप किया था। तब सीवू बोलता है, नहीं भाई हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, अब हम दोनों बहुत खुश हैं, आखिर हो गु ही का पहला प्यार हूँ मैं। फिर यह सुनकर जीहून वहां से बाहर आ जाता है और फिर होगु ही बहुत सैड हो जाती है और वो भी वहां से चली जाती है। फिर साइवू के पास नैन ही का मसाज आता है कि क्या सब ठीक हो गया? फिर वो रिप्लाई देता है, हाँ सब ठीक चल रहा है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि होगु ही अपने घर में होती है और जीहून को मसाज करती है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसका भाई जो वॉशरूम से नहाकर आता है और बोलता है, होगु ही जाओ तुम भी नहा लो। फिर होगु ही चली जाती है।
तभी होगू ही के फोन में जीहून का कॉल आता है, जिसे देखकर होगू ही का भाई कॉल उठाता है। फिर होगू ही आती है और उसका भाई बताता है कि मैंने तुम्हारा कॉल उठाया था। फिर होगू ही अपना फोन लेकर चेक करती है और जीहून को कॉल करती है, लेकिन जीहून फोन नहीं उठाता है। फिर होगू ही अपने भाई से पूछती है, तुमने क्या बात की थी कॉल पर? तब एक फ्लैशबैक दिखता जहां उसका भाई कॉल पर बोलता है कि होगू ही नहाने गई है और जीहून बोलता है, तुम कहाँ हो? तब उसका भाई बोलता है, और कहाँ, जहाँ मुझे होना चाहिए बेड पर हूँ। फिर ये सुनकर होगू ही अपने भाई को पीटने लगती है और बोलती है, मेरे रूम से बाहर निकलो तुम। फिर होगू ही अपने भाई का नाम रिवेंज एपी में डालती है, लेकिन एरर्स बता देता है। और फिर हम देखते हैं कि डियोक ही होगू ही से बोलती है कि जाओ जीहून को सच सच बता दो कि सीवू और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर जैसे ही होगू ही जीहून को बताने जाती है, तुरंत नन ही आ जाती है और सबके सामने बोलती है कि होगू ही और सीवू फिर से एक हो गए हैं। ये सुनकर जीहून बहुत उदास हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जीहून पढ़ रहा होता है और नान ही उसके पास आकर डाउट पूछती है और जीहून उससे बताता है। ये देखकर होगू ही बहुत जेलस हो जाती है और उसके साथ उसकी दोस्त जुंग दियोक ही और भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, देखो तो उस नान ही की बच्ची को उसके साथ कैसे छिपकली की तरह चिपक रही है। फिर जब जुंग दियोक ही और होगू ही घर जा रहे होते हैं, तभी बाहर साइवू होगू ही का एक्स उसका वेट कर रहा होता है। ये देखकर होगू ही बहुत टेंस हो जाती है। तभी जुंग दियोक ही बोलती है कि होगू ही तुम जीहून के साथ, होगू ही बोलती है कि सीवू के साथ, अब मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर जीहून खुश होता है और उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वह बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। खाना देख होगू ही बोलती है, मैं इतना सारा नहीं खाती हूँ, और देखते ही देखते वो सारा खाना जाओ, मैं जीहून के दोस्त के साथ जाती हूँ। फिर होगू ही को जीहून के साथ देखकर साइवू हैरान हो जाता है। फिर होगू ही जीहून से बोलती है कि कल तुमने जब कॉल किया था तब मेरे भाई ने उठाया था। तब जीहून बोलता है, हाँ पता है। तब अकेले ही चटकर जाती है। फिर वॉशरूम जाती है और देखती है कि उसका फेवरेट मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर किया था, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है और उसको भी खा डालती है, और जीहून उसे खाते हुए देखकर मुस्कुराता है। फिर खाना खाने के बाद दोनों बाहर आते हैं और एक बैनर देखते हैं जिसमें कुछ फ्रेंच में लिखा होता है। फिर जीहून पूछता है, तुमको पता है ये क्या लिखा है? फिर होगू ही बोलती है, नहीं पता। फिर जीहून बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर होगू ही ब्लैंक होके जीहून को देखती है, तभी जीहून बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यही लिखा हुआ है उस बैनर पर। फिर दोनों फोटो क्लिक करते हैं और हाईफाई करते हैं। तब जीहून बोलता है, तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट और छोटे हैं। फिर होगू ही का पेट खराब हो जाता है और वो सोचती है कि मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था, मुझे जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। फिर जीहून से बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम याद आया जिसे मुझे आज ही अर्जेंटली कंप्लीट करना है। फिर होगू ही जाने लगती है और तभी नान ही आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ जीहून के साथ क्या कर रही हो? होगू ही बोलती है, कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। तभी गलती से होगू ही की गैस निकल जाती है, जिसे सुनकर नान ही बोलती है, होगू ही तुमने, लेकिन तभी जीहून बोलता है, वो मैंने छोड़ा है क्योंकि सुबह से मेरा पेट खराब है, जिसको सुन होगू ही बहुत शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं कि होगू ही जब स्कूल जा रही होती है, तभी उसका भाई बोलता है, आज का मौसम ठीक नहीं है, शायद बारिश हो, अम्ब्रेला ले लेना। लेकिन होगू ही अपने भाई की बात नहीं सुनी और चली गई। फिर क्लास में नैन ही की दोस्त होगू ही का बैग चेक करती हैं, उसके बैग से नैन ही का लिपस्टिक निकालती हैं और होगू ही से बोलती हैं कि तुम चोर भी हो क्या? फिर होगू ही बोलती है, नहीं, ये लिपस्टिक मुझे नैन ही ने दिया था। फिर नैन ही बोलती है कि बस ट्राई करने के लिए दिया था। और फिर होगू ही के पीछे बैठी जुंग दियोक ही बोलती है कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो तुमसे जलती हैं, क्योंकि तुमको जीहून लाइक करता है। फिर हम देखते हैं कि नैन ही और उसके दोस्त दियोक ही तुम्हारा सैमुअल्स फैन साइनिंग इवेंट कैसा था, और वो लोग इसीलिए बोल रही थी क्योंकि बाहर टीचर थी और उन्होंने ये सुनकर डियोक ही को डांटा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर कल छुट्टी लिया था। फिर उसे पनिश करती है और तभी टीचर बहुत प्यार से बोलती है कि सैमुअल बहुत हैंडसम है ना? और फिर जुंग दियोक ही बोलती है, हाँ टीचर बहुत। लेकिन अचानक टीचर बोलती है, चुप रहो और हाथ ऊपर करो। फिर हम देखते हैं कि जब क्लास में नैन ही और होगू ही होती हैं, तभी नैन ही गिरने का नाटक करती है और अपने दोस्तों दिखाती है कि इसने मुझे धक्का दिया, और बेचारी बनने का नाटक करती है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां नैन ही होगू ही के जाने के बाद जीहून से बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि होगू ही चली गई अब मैं और तुम अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी जीहून बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और आज के बाद मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश ना करना, बहुत इरिटेटिंग हो तुम इसीलिए। नैन ही
होगू ही से बदला ले रही थी। तभी वहां पर हमारी पहलवान मतलब डियोक ही आती है और सबको वहां से भागा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होगू ही अपने रिवेंज एएपी पर नैनही का नाम डालती है। फिर हम होगू ही और जुंग डियोक ही को देखते हैं जो स्कूल से घर जाने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि जुंगवू उनका बाहर वेट कर रहा था। फिर होगू ही जुंगवू को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी जुंगवू उसका पीछा करता है और होगू ही से बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझसे बात करो। ये सब देखकर नैनही और उसकी दोस्त भी आ जाती हैं और सब लोग होगू ही को परेशान करती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती करते हैं। लेकिन होगू ही और जुंग दियोक बोलती है, हाँ मैं जीहून को लाइक करती हूँ। ही कोई जवाब नहीं देती है और एक ही प्लेस में गोल गोल घूमते हैं। फिर होगू ही को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोलती है, हाँ मैं जीहून को लाइक करती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीहून मेरे बारे में क्या सोचता है। और फिर होगू ही इतना बोलकर सोच में पड़ जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और सब लोग उसकी बात सुनकर ब्लैंक हो जाती हैं। और फिर बारिश होने लगती है और सब लोग चले जाने हैं। और जुंग डियोक ही होगू ही को बार बार बोलती है कि होगू ही चलो नहीं भीग जाओगी, लेकिन होगू ही वहीं खड़ी रहती है। तभी वहां जीहून अम्ब्रेला लेकर आता है और होगू ही से बोलता है, क्या तुम सचमुच पागल हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या बस तुम ही मुझे लाइक करती हो, नहीं मेरी होगू ही मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। फिर होगू ही के फोन में मैसेज आता है कि रिवेंज कंप्लीट हुआ। तभी हम होगू ही के भाई को देखते हैं जो अम्ब्रेला लेकर होगू ही का इंतजार कर रहा था, लेकिन अपनी बहन को जीहून के साथ देखकर सोचा कि अब मेरी बहन का तो कोई और ही ख्याल रख रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसके भाई के घर उसके दोस्त आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी बहन नहीं दिख रही है, कहाँ है, जरा हमें भी दिखाओ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई है क्या। ये सुनकर होगू ही का भाई बोलता है कि नहीं मेरी बहन बहुत समझदार है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम इतने यकीन के साथ क्यों बोल रहे हो। फिर होगू ही का भाई बोलता है, क्योंकि मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। फिर हम देखते हैं कि होगू ही का भाई अम्ब्रेला देखकर सोचता है कि अचानक ये लड़का इसकी लाइफ में कहाँ से आ गया। फिर जब होगू ही नहाकर बाहर आती है, फिर उसका भाई नहाने जाता है और तभी होगू ही के भाई के फ़ोन में किसी का कॉल आता है। फिर होगू ही कॉल उठाती है और कॉल पर कोई लड़की होती है जिसको सुनकर होगू ही उससे बोलती है कि अभी तो वो नहाने गए हैं, हेलो जी, और मैं तो अभी बेड पर हूँ, और कॉल कट हो जाता है। फिर होगू ही बहुत मुस्कुराती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होगू ही रात को स्कूल जाती है अपनी होमवर्क नोट्स लेने, जो वो भूल गई थी। तभी वो क्लास में योगायन को किसी लड़के के साथ देखती है, लेकिन वो उस लड़के का फेस नहीं देख पाती है, बस उसका शूज़ देखती है। और तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है और होगू ही से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर होगू ही डर जाती है कि कहीं वो उन लोगों को देख ना ले और उनको उधर जाने से रोकने के लिए बोलती है, इंसेक्ट कितना बिग है, जल्दी इससे हटाओ। और ये बोलते हुए उनको बाहर की तरह ले जाकर बोलती है कि लगता है भाग गया, लेकिन सच बहुत डरावना था। फिर घर जाकर होगू ही अपने लैपटॉप में अपनी और योगायन की फोटो देख रही होती है। तभी उसका भाई आता है और उसके लिए आइसक्रीम लाता है और बोलता है कि तुम क्या देख रही हो, अच्छा इसकी फोटो देख रही हो, ये तो तुम्हारी बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, लेकिन इसके साथ फोटो तुम मत खिंचवाना, वो कितनी प्यारी है और तुम अपने आप को देखो, बदरिया लग रही हो। फिर होगू ही बोलती है, चुप रहो तुम, और फिर बताती है कि ये अब मेरी दोस्त नहीं है। फिर उसका भाई आइसक्रीम का मांगता है, बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना है। फिर होगू ही उसको दे देती है, लेकिन वो आधा से भी ज़्यादा खा लेता है। फिर होगू ही बहुत रोने लगती है और होगू ही का भाई मुस्कराते हुए रूम से बाहर जाता है। फिर स्कूल की टीचर बोलती हैं कि अगर स्कूल में कोई डेटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे पनिश किया जाएगा, और जो भी स्टूडेंट डेटिंग करने वालों के बारे में मुझे इन्फॉर्म करेगा उसे गिफ्ट मिलेगा। जिसे सुनकर होगू ही को लगा कि शायद योगायन पकड़ी गई, लेकिन टीचर बोलती हैं कि कल डू लॉग पकड़े गए और उन्हें इस स्कूल से निकाल दिया गया। फिर होगू ही ने मन सोचा कि अच्छा हुआ योगायन नहीं पकड़ी गई। फिर कुछ सीनियर योगायन को बुलाती है और बोलती है कि हम यूरोप के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकती हो। फिर योगायन बोलती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। वही होगू ही योगायन को देख रही होती है और तभी डू बोलती है, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो। तब होगू ही बोलती है, नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है। और फिर जूस का ढक्कन खोलने लगती है, लेकिन उससे वो नहीं खुलता है। फिर जीहून ढक्कन खोल देता है, जिसे देख कर कर जुंग डियोक ही बोलती है, क्या बात है जीहून, ये हुई ना हीरो वाली बात। फिर घर पर होगू ही और उसका भाई ड्रामा देख रहे होते हैं और
और जब भी होगुही के फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो होगुही तुरंत फोन चेक करने लगती है। इसे देखकर होगुही का भाई उसे नोटिस करता है और फिर होगुही के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और हम बहुत खुश होकर चेक करने लगती है और देखती है कि मसाज उसके भाई ने किया है कि मुझे प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। ये देखकर होगुही अपना मुंह फुलाकर बोलती है, तुमको प्यास लगी है तो जाओ तुम खुद जाकर पी लो। और तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने रूम जाकर जीहून को मैसेज करने लगती है, जिसमें जीहून बोलता है क्या कर रही हो, और होगुही इमोजी सेंड करके बोलती है मैं सोने जा रही हूँ। फिर होगुही पूछती है क्या तुमने डिनर किया, क्या तुम एकेडमी से घर आ गए, और जीहून बस हाँ हाँ का रिप्लाई दे रहा था, जिसकी वजह से होगुही पूछती है कि क्या तुम इमोजी नहीं यूज़ करते, तो जीहून बोलता है नहीं मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो होगुही बोलती है कि तुम अगर लेज़ी हो तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर फ़ोन रखकर होगुही बोलती है कि सब लोग के सामने तो मेरे लिए छाता लेकर आया था, और मसाज में बस हाँ हाँ बोल रहा है और वो अपने टेडी बेयर को हग करने लगती है। तब जीहून का एक और मसाज आता है जिसमें इमोजी से लिखा था कि क्या तुम मेरे साथ कैच बॉल खेल रही हो, तो हु बोलती है नहीं वो मुझसे नहीं बनता। तब जीहून बोलता है फिर तुमने मेरे दिल को एक ही बार में कैसे कैच कर लिया, जिसे देखकर होगुही बहुत खुश होकर बोलती है कि अरे ये तो कितना रोमांटिक बातें करता है। फिर हम देखते हैं कि बस के अंदर जब होगुही बैठी होती है तभी गैन अपना एक बैग होगुही के ऊपर फेंकती है और बोलती है इसे संभाल के रखना, ये बैग बहुत एक्सपेंसिव है। और वही कुछ बच्चे फोन पर और गुही को देखकर बोलते हैं कि ये तो वही लड़की है, और ये देखकर होगुही और गुही सोचने लगते हैं कि किस लड़की के बारे में और ये लोग क्या देख रहे हैं। फिर जब होगुही और गा अन क्लास में आती हैं तब जुंग दियोक ही होगुही को फोन में दिखती है कि देखो ये लड़की गॉन ही है, लेकिन गा अन अनजान होती है। फिर हम सीनियर केओ देखते हैं जो यूरो के बारे में बात कर रही होती है, और गा अन वहाँ आती है और बोलती है मुझे भी बताओ ना, लेकिन सीनियर बोलती है कि अब तुम हमारे टीम को ज्वाइन नहीं कर सकती हो, और फिर उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाने हैं। और ऊपर से होगुही और जुंग दियोक ही भी ये सब देख रही होती हैं। फिर कुछ देर बाद ह्यू सीनियर लड़कियों को देखती है जो गेयन को परेशान कर रही थी और बोल रही थी कि दिखती हो इतनी सीधी, और फिर उसको एक फोटो दिखती है और बोलती है ये तुम ही हो ना, क्या क्या करती हो तुम गेयन। फिर उसके ऊपर जूस भी डाल देती है। फिर ग्यूअन बोलती है ये मेरी फोटो नहीं है, और वहां से रोते हुए वो आती है और तब होगुही को देखती है। फिर होगुही को धक्का मार के वहां से चली जाती है। तब हु सोचती है कि क्या वो फोटो गॉन की थी, ऐसा जरूर उस लड़के ने किया होगा। फिर हु क्लास में आती है और गे अन का एक्सपेंसिव बैग लेकर उसके घर जाने लगती है, तो जुंग देओक ही बोलती है तुमको उसकी इतनी फिक्र क्यों है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां गा युन क्लास में न्यू आई थी और उसे होगुही के सीट पर टीचर ने बैठाया था। गा युन पहले हाय दिन अपना बुक लाना भूल जाती है, तब होगुही अपना बुक गा युन के साथ शेयर करती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग गे युन की चीज़ों का तारीफ कर रहे होते हैं, तब गे युन उनसे बताती है कि मेरे पापा दूसरे कंट्री में वर्क करते हैं तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ भेजा है। फिर गेयन पीटी क्लास में शॉर्ट्स लाना भूल जाती है, तभी होगुही अपना शॉर्ट्स गेयन को देती है और उसकी पैंट खुद पहन लेती है। तभी टीचर होगुही का पैंट देखकर होगुही को पनिश करने वाले होते हैं। तब गेयन उन्हें रोकती है और बताती है कि मैं नई स्टूडेंट हूँ इसीलिए अपना शॉर्ट्स लाना भूल गई हूँ, इसीलिए इसने अपना शॉर्ट्स मुझे दे दिया। और तब टीचर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे पनिश नहीं करूँगा, अब तो दोनों को पनिश करूँगा, चलो अब कान पकड़कर मेढक की तरह स्कूल का राउंड लगाओ। तब दोनों कान पकड़कर कूद रहे होते हैं। तब होगुही पाथ छोड़ती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर दोनों साथ में पढ़ाई करती हैं और खाना भी खाती हैं, दोनों बहुत मस्ती करती हैं और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आगे जिए यन की माँ अपने पति से बात कर रही होती हैं कि डिवोर्स पेपर में लिखा है कि डिवोर्स के बाद तुम हमें पैसे भेजोगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और गेयन चुपचाप खड़ी हुई होती है। फिर कॉल के बाद उसकी माँ गेयन से बोलती है तुम बस अपने स्टडी पर ध्यान दो, पहले ही तुमने डिवोर्स के बाद अपना स्कूल बदल लिया, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो मैं मर जाऊंगी। तब गेयन रोते हुए बाहर आती और होगुही को देखती है। तब होगुही बोलती है कि तुमने मुझे होमवर्क करने के लिए बुलाया था इसीलिए मैं अंदर आ गई और डोर भी ओपन था। होगुही बोलती है कि तुमने मुझे होमवर्क करने के लिए बुलाया था इसीलिए मैं अंदर आ गई और डोर भी ओपन था। तब गेयन गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद से गेयन हु को इग्नोर करने लगती है और दूसरों के साथ रहने लगती है। तब फ्लैशबैक के बाद होगुही बोलती है कि अगर मेरे पास उस समय रिवेंज ऐप होता तो मैं गेयन का नाम लिखती और फिर हु गेयन के घर उसका बैग देने जाती है। तब गेयन आती है और होगुही को बोलती है तुम हमेशा गलत टाइम में ही क्यों आती हो, क्या तुम मुझे रोता हुआ देखने आई हो, तुमको बहुत मजा आता है क्या मुझे रोते हुए देखना।
तब यू बोलती है कि तुम अपना बैग स्कूल में ही भूल गई थी। मैं तो बस इसे लौटाने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगी। मुझे तुम्हारा ये एक्सपेंसिव बैग वहीं छोड़ देना चाहिए था। तब गेयन चुप हो जाती है और होगू ही बोलती है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, तुम कल स्कूल आना। हम उस लड़के का पता लगाएंगे जिसने तुम्हारी फोटो अपलोड किया है। तब गॉन बोलती है, नहीं वो मैं नहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम यहाँ से जाओ। फिर घर पर ह्यू रिवेंज ऐप ओपन करके सोचती है कि अगर मुझे उस लड़के के बारे में पता होता तो मैं ज़रूर उसका नाम लिखती। फिर आगे दिखाया जाता है कि कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं जिसने जीहून भी था, डू और होगू ही उनको देख रही होती हैं। तब होगू ही को वही शूज दिखाई देता है जो उस दिन गा उन के साथ स्कूल में वो लड़का बैठकर गाना सुन रहा था। फिर होगू ही दू से पूछती है कि ये शूज कहाँ मिलता है। टैब जुंग दियोक ही बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे स्कूल में बहुत बस इसी के पास है। और तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुमको भी ऐसा शूज चाहिए क्या? अगर चाहिए तो तुम्हें 1 महीने पैसा कमाने होंगे क्योंकि बहुत महंगा है। फिर हम जे हून और उसके दोस्त को देखते हैं जो वॉशरूम पर होते हैं। दोनों किसी को फोन पर उस सोशल मीडिया वाली फोटो के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। फिर जी हून अपने अपने दोस्त से धीमी आवाज में कहता है, उसके आने से पहले चलो। फिर दोनों उसके आने से पहले छुप जाते हैं और उसे वॉशरूम से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर उस लड़के के फेस को देखकर जीहून का दोस्त जीहून से बताता है, वाह उस फोटो के बारे में बात कर रहा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। और वो जीहून से पूछता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? जीहून हाँ कहता है। फिर जीहून का दोस्त उससे पूछता है, क्या रियली उस फोटो को उसने पोस्ट किया होगा? फिर हम देखते हैं कि होगू ही ब्रश कर रही होती है, तब उसे जीहून का कॉल आता है और वो कॉल पर जीहून से बात करती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो बार बार उससे पूछती हाउ सीरियसली, और वो कुछ सीसन्स को याद कर रही होती है जहां सीनियर ग्रुप वाले गायन को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हमें यंगाजी का फोटो जूम में दिखाया जाता है। फिर ह्यू गुस्से से स्वीट रिवेंज पर यंगजी का नाम लिखती है। वही यंगाजी उन प्रेजेंटेशन काम के लिए कार से जा रहा होता है। वह अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी उसे मसाज आता है कि ऐप किसी के रिवेंज के टारगेट बन चुके हैं। ये भी सबकी तरह इसे अवॉइड करता है। फिर जे यून को देखते हैं जो यंगहजुन को मसाज कर रही होती है। तब वो रिप्लाई देता है, मैं बिजी हूँ, मैं एक इंटरनेशनल कॉम्पिलेशन के लिए प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। फिर गेयन बहुत सारे मसाज करती है पर उसे रिप्लाई नहीं मिलता। फिर हमें हंजोंग को दिखाया जाता है जो प्रेजेंटेशन करने के लिए स्टेज पर जा रहा होता है और वो प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देता है। प्रेजेंटेशन करते वक्त उसकी एक वीडियो अपने आप स्क्रीन पर आता है, उसमें उसका राज खुल जाता है और उसके बारे में सबको पता चल जाता है। उसके पापा शर्मिंदा होकर बाहर चले जाते हैं और हंजोंग स्टेज के पीछे छुप रहा होता है। ये सब कुछ न्यूज़ पर भी आ रहा होता है। इसे होगू ही अपने लैपटॉप पर देख रही होती है। फिर उसको फ़ोन में रिवेंज ऐप का मैसेज आता है जिसमें हंजोंग के बहुत सारे फ़ोटो होते हैं। ये देखकर अपने आप से कहती है, ऐसे लड़कों का यही हाल होना चाहिए। फिर वो सोचती है, क्या मेरा रिवेंज ऐप आगे भी यूज़ करना क्या सही होगा? फिर जीहून जुंग दियोक ही और जीहून और का दोस्त और ह्यू एक ग्रुप चैट पर चैटिंग कर रहे होते हैं। सभी लोग हंजोंग को डांट रहे होते हैं। तभी होगू ही को मसाज आता है कि आपका रिवेंज कंप्लीट हुआ। तब वो सोचती है, क्या इन तीनों में से कोई रिवेंज एएपी का मास्टर होगा? फिर हम देखते हैं कि गाउन हंजोंग का न्यूज़ अपने फ़ोन पर देख रही होती है और उसे देखकर हंजोंग को ईविल कहती है। तभी उसे होगू ही का मसाज आता है कि कल तुम स्कूल एए जाना वरना असाइनमेंट में तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। अगली सुबह सभी लोग गेयून से अच्छे से ही बात कर रहे होते हैं। होगू ही फ़ोन पर कुछ देख रही होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये पोस्ट डिलीट हुआ है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जुंग दियोक ही रात को हैकिंग करके उस फोटो को डिलीट करती है। फिर प्रेग्नेंट में होगू ही जुंग दियोक ही को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं हंजोंग सीनियर से बता रहा होता है कि मैं कैसे पकड़ा गया, मुझे नहीं पता मैं हैकिंग में एक्सपर्ट होगू ही, फिर भी मैं पकड़ा गया। फिर सीनियर उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब लोग कुछ दिन में इसके बारे में भूल जाएंगे। तब हंजोंग उसे रिवेंज ऐप का नोटिफिकेशन दिखाकर बताता है कि इसके आने के बाद ही मेरे साथ वो सब हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक म्यूजिक सुन रहे होते हैं पर सभी उस म्यूजिक को सुनकर सो रहे होते हैं। तभी हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने म्यूजिक सर को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर म्यूजिक सर बच्चों से बताते हैं, तुम सबको ये सॉन्ग फाइनल में गाना है। तब सभी बच्चे बताते हैं कि ये बहुत टफ है। फिर सभी बच्चे एक के बाद एक टीचर के सामने गाना गा रहे होते हैं। जुंग दियोक ही थोड़ा ठीक ठाक गा लेती है पर होगू ही गाने का पहला वर्ड हाई सही से नहीं गाती। फिर सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर गयुन गाती है,
पर वो भी हो गुही की तरह पहला वर्ड सही से नहीं गा पाती और यहाँ पर दोनों का भी आवाज़ बिल्कुल नहीं सही होता है। फिर वो लड़की आती है जो पहले सैर को देखकर मुस्कुरा रही होती है, वो बहुत अच्छे से गाती है। तब म्यूजिक सैर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हो गुही और डियोक ही हो गुही का इंस्टाग्राम चेक कर रहे होते हैं जिसमें उसे बहुत सारे लाइक मिले होते हैं। तब डियोक ही नोटिस करती है कि जी हून के दोस्त ने भी हो गुही को लाइक किया है। तब डियोक ही हो गुही से पूछती है क्या उसका भी अकाउंट है। फिर दोनों उसके पोस्ट को देखने लगते हैं। दोनों उसके पोस्ट को देखकर हंसते हैं। डियोक ही उसके फोटो को देखकर हो गुही से बताती है कि मुझे उसका पर्सनली पसंद है पर उसका फेस बहुत फनी है। तब हो गुही बताती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, वैसे भी तुम भी ज्यादा सुंदर नहीं हो। तभी हो गुही उस लड़की का अकाउंट देखती है जो म्यूजिक क्लास में टीचर को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पोस्ट में लिखा होता है कि हम 59 से डेटिंग कर रहे हैं और उसमें एक फोटो होता है पर उसमें उसका फेस नहीं होता। ऐसे बहुत सारे पोस्ट को देखकर हो गुही डियोक ही से बताती है कि वो क्लास में कितनी इनोसेंट दिखती है पर वो कितनी रोमांटिक है। फिर हो गुही क्लास में चेस को बेंच के ऊपर रख रही होती है। डियोक ही जल्दी जा चुकी होती है इसीलिए हो गुही अकेले ही काम कर रही होती है। तब वहाँ वो लड़की आती है जो म्यूजिक क्लास में सर को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वो हो गुही की हेल्प करती है। और वो हो गुही से बताती है मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का फ्राई चिकन बहुत पसंद है। और वो अपने एक पोस्ट को हो गुही को दिखाती है और वह बताती है कि ये वही चिकन है जो तुम्हारे रेस्टोरेंट से खरीदा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिया था और मुझे ये बहुत पसंद आया। तब हो गुही थैंक यू कहती है। फिर हो गुही उस लड़की के साथ गार्डन पर बैठकर उस लड़की का पोस्ट देख रही होती है जिसमें दो फोन के कवर होते हैं। एक में लिखा होता है कि एलो और दूसरे में लिखा होता है कि वीई और वो लड़की अपने रियल फोन का कवर दिखती है। फिर हम देखते हैं कि म्यूजिक सर हो गुही के रेस्टोरेंट में चिकन खरीद रहे होते हैं। तब हो गुही वहाँ आती है। हो गुही को रेस्टोरेंट पर देखकर सर उससे पूछते हैं क्या यह तुम्हारे पेरेंट्स का रेस्टोरेंट है। हो गुही हाँ कहती है। जब हो गुही के पेरेंट्स को पता चला कि वो हो गुही के सर हैं वो उन्हें स्पेशली ट्रीट करने लगते हैं। फिर हो गुही के सर चिकन लेकर वहाँ से चले जाने हैं। फिर हम देखते हैं कि हो गुही डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रही होती है। तब वो उस लड़की को देखती है जो म्यूजिक सर को देखकर क्लास में मुस्कुरा रही थी। वो इस बार भी सर को आते हुए देखकर मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन हो गुही जीहून के कहने पर सुबह की 7:30 AM की बस पर बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट स्टॉप पर जीहून बैठ जाता है। तभी बस के लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बस और कितने लोगों को बैठाना है, उस बस में बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जीहून हो गुही के पीछे खड़े होकर हो गुही को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हो गुही उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर हो गुही फिर से उस लड़की को देखती है। वो इस बार भी म्यूजिक सर के साथ ही होती है। उसे म्यूजिक सर के गाड़ी से उतरते हुए देखकर हो गुही शॉक हो जाती है। तब जीहून उसे पूछता है क्या हुआ। हो गुही जवाब देती है कुछ नहीं। फिर स्कूल पर हो गुही फिर से उस लड़की के पोस्ट को देख रही होती है और वो सोचती है मुझे लगता है ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। फिर वो लड़की म्यूजिक क्लास पर गाना गा रही होती है। फिर से म्यूजिक सर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब हो गुही सोचती है कि वो उसकी साइड लेकर कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एक लड़की आकार सबसे बताती है कि हमारे म्यूजिक सर जल्द ही शादी करने वाले हैं। तब वो लड़की जो म्यूजिक सर को पसंद करती है वो शॉक्ड हो जाती है और डायरेक्ट म्यूजिक सर के पास जाकर जोर से बोलती है आप शादी कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझे पसंद करते थे ना। तब म्यूजिक सर उसे क्लास जाने के लिए कहते हैं। इसे हो गुही देख रही होती है। फिर म्यूजिक सर उसे काम करने की कोशिश करते हैं पर वो जोर से रोने लगती है और नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। फिर क्लास में सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि सच में मुझे लग रहा है कि कल टीचर कुछ ज्यादा ही उससे प्यार से बात कर रहे थे। जब मैं सबके फोन्स कलेक्ट करके ले गई तब सर के फोन के कवर पर लिखा था एलो और उस लड़की के फोन पर वीई लिखा था, तब मुझे कुछ अजीब लगा। वही जी हून हो गुही जी हून का दोस्त कंगमिन और डियोक ही साथ में इसके बारे में सोच रहे हुए होते हैं। तब वहाँ वही लड़की आती है जो म्यूजिक सर को पसंद करती है। तब सभी बच्चे उसे सच बताने के लिए कहते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करती है। फिर कुछ देर बाद जी हून हो गुही को टेंशन में देखकर उसे जूस देता है पर वो नहीं पीती। तब सभी तीनों दोस्त हो गुही को छुप कर देखने लगते हैं। तब हो गुही सबको सच सच बता देती है जैसे कि पोस्ट के बारे में और उनके रेस्टोरेंट के चिकन के बारे में। तब जी हून हो गुही को जूस पिलाते हुए पूछता है क्या सर रियली ऐसा करेंगे। फिर रात को हो गुही और डियोक ही को वो लड़की अपने घर ले जाती है। तब उस लड़की के वॉचमैन बोलते हैं आज क्यों तुम अपने टीचर के साथ क्यों नहीं आई।
वो लड़की वॉचमैन को कोई जवाब नहीं देती। फिर होगू ही और डियोक ही उसे छोड़ने के बाद उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर होगू ही रेस्टोरेंट पर उस लड़की का पोस्ट देख रही होती है, तभी उसके पापा उस लड़की की फोटो देखकर उसे बताते हैं, मैं इस लड़की को जानता हूँ। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ होगू ही के पापा डिलीवर के लिए होगू ही के टीचर के घर जाते हैं, तब उनका पेट खराब हो जाता है। फिर वो होगू ही के टीचर से पूछते हैं, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? तब टीचर हाँ कहते हैं। फिर होगू ही के पापा बाथरूम जाकर वापस आते हैं, फिर पैसे लेकर वो थैंक्स कहकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की वहां आती है और सर को कुछ कुकीज देती है। वही होगू ही के पापा इसे देखकर वहां से चले जाने हैं। यही पर फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सब सुनकर होगू ही कंफ्यूज हो जाती है। होगू ही की माँ होगू ही के पापा को दूसरों के वॉशरूम का इस्तेमाल करने पर डांटती हैं। इस बीच होगू ही का भाई अपनी माँ से कहता है कि वह खाने के समय बात न करें। अगले दिन स्कूल में डियोक ही होगू ही को बताती है कि एक लड़की ने अपनी लव स्टोरी एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और सभी बच्चे उस पोस्ट को जोर जोर से पढ़ रहे हैं। डियोक ही और होगू ही भी उस कहानी को सुनकर मजे ले रही हैं, क्योंकि वह कहानी बिल्कुल एक ड्रामा की तरह है। जी हून और उसका दोस्त भी इसे पढ़ रहे होते हैं। जी हून का दोस्त कहानी पढ़ते पढ़ते उस लड़की के किरदार पर आ जाता है और उसकी तरह एक्टिंग करने लगता है। डियोक ही को कहानी बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन होगू ही कहती है कि यह ड्रामा नहीं बल्कि एक रियल लव स्टोरी है। वह डियोक ही को अपने पापा की कही हुई बात भी बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूजिक टीचर ऑफिस रूम से बाहर आते हैं और बहुत टेंशन में दिखते हैं। वे सीधे म्यूजिक क्लास में चले जाते हैं जहां बोर्ड पर लिखा होता है कि हमें आपके जैसे टीचर नहीं चाहिए, और इसमें और भी बहुत कुछ लिखा होता है। ये सब देखकर भी टीचर क्लास में आकर पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन सभी बच्चे उन पर पेपर बॉल फेंकने लगते हैं। होगू ही सबके जाने के बाद म्यूजिक टीचर का नाम रेवेंज ऐप पर लिखती है, लेकिन वह उसे भेजती नहीं क्योंकि वह कंफ्यूज्ड होती है। फिर हम डियोक ही के घर पर देखते हैं कि होगू ही योगायुन और अन्य सभी दोस्त मिलकर ग्रुप असाइनमेंट के लिए एक टीम बनाते हैं। होगू ही कहती है कि चूंकि वे एक ही ग्रुप में हैं, उन्हें साथ में काम भी करना होगा। ये सुनकर डियोक ही कॉन्फिडेंट से कहती है कि उनकी टीम को A+ जरूर मिलेगा। होगू ही पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे ग्रुप का टॉपिक क्या है? डियोक ही जवाब देती है कि उसे नहीं पता। डियोक ही की माँ बहुत सारे स्नैक्स के साथ आती है और पूछती है कि क्या वे इंटरनेट से कोई अच्छा सा नॉवेल ढूंढकर अपने असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर वे एक अच्छा सा नॉवेल ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक नॉवेल ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वे उसे पढ़ने लगते हैं तो सभी को वह नॉवेल कहीं सुना सुना लगता है। तब योगायुन कहती है कि यह तो उसी लड़की की लव स्टोरी है, जिसका मतलब है कि उस लड़की ने इस नॉवेल को पढ़कर इस कहानी को अपनी कहानी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। होगू ही और डियोक ही उस लड़की के पास जाकर पूछते हैं कि क्या सच में उसे म्यूजिक टीचर पसंद करते थे। यह सुनकर वह लड़की कहती है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बाद में डियोक ही कहती है कि मुझे लगता है कि उस लड़की को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वरना वह ऐसा क्यों करेगी। अगले दिन एक लड़की दौड़ते हुए क्लास में आकर बताती है कि वह हो गया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वह लड़की लाइब्रेरी में कुछ लिख रही होती है। तभी वह उस लड़की की आवाज़ सुनती है जो म्यूजिक टीचर को पसंद करती है, और वो चुपके से बातें सुनती है जहां काउंसलर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तब वो लड़की जवाब देती है कि मैं रोज सर के कार में आती हूँ। फिर हम दूसरी तरफ म्यूजिक सर को देखते हैं जो काउंसलर से बताते हैं कि वो मेरे बिल्डिंग के सामने रहती है, इसीलिए जब मुझे वो मिलती थी तब मैं उसे कार में बैठा लेता था। फिर हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जो काउंसलर से कुछ बताते बताते रोने लगती है। तब टीचर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे लिए मेडिसिन लाऊं? तब वो लड़की बोलती है, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यही पर फ्लैशबैक खत्म होता है। इसे सुनकर सभी बच्चे उस लड़की के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वो लड़की क्लास के अंदर आती है। डियोक ही उसको देखकर होगू ही से बताती है, यह और कितना सर को फंसाएगी, हमें इसका सच्चाई सामने लाना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि होगू ही रिवेंज ऐप पर उस लड़की का नाम लिखकर बोलती है कि ये रिवेंज नहीं है, पर जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, और फिर रिवेंज के लिए सेंड कर देती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में उस लड़की से सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सच सच बताओ, लेकिन तभी अचानक उस लड़की का पेट दर्द होता है और वो रोने लगती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर टीचर से बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। फिर टीचर बोलती हैं कि लेकिन डॉक्टर ये तो बोल रही थी कि ये प्रेग्नेंट है।
फिर डॉक्टर बोलती हैं कि इसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, स्कूल में सबको उस लड़की के सच के बारे में पता चल जाता है। फिर होगू ही उस लड़की से मिलने जाती है जहां वह किसी से बात कर रही होती है, लेकिन होगू ही देखती है कि वहां कोई नहीं है। कई दिनों बाद स्कूल में म्यूजिक टीचर पढ़ा रहे होते हैं और होगू ही सोचती है कि उस इंसिडेंट्स के बाद से उसने टीचर को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। फिर उसे एक मैसेज मिलता है कि उसका रिवेंज पूरा हो गया है। इसके बाद होगू ही मेकअप करके जी हून से मिलने जाती है। जी हून कैफे में बैठा संगीत सुन रहा होता है और जब होगू ही उसे सरप्राइज देने जाती है तो जी हून अचानक अपना हाथ उठाता है और होगू ही को लग जाता है। जी हून तुरंत होगू ही से माफी मांगता है और उसे गले लगाता है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां सभी लड़कियां जी हून को देखकर उसकी तारीफ करती हैं। जी हून होगू ही से पूछता है कि वह अगले दिन क्या करेगी। होगू ही कहती है कि वह डियोक ही के साथ चा युनवू के फिल्म सेट पर जाएगी। जीहून कहता है कि फिर वे अगले दिन नहीं मिल पाएंगे। होगू ही कहती है कि वह भी उनके साथ चल सकता है। फिर वे बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और पार्क में तस्वीरें खींचते हैं। होगू ही एक दुकान के बाहर एक नेकलेस को देखती है और जीहून पूछता है कि क्या उसे वह पसंद है। होगू ही कहती है कि नहीं, उसे पसंद नहीं है और जीहून को घर चलने के लिए कहती है। जीहून होगू ही को उसके घर छोड़ता है लेकिन दोनों का जाने का मन नहीं होता। जीहून कहता है जाओ अंदर, लेकिन होगू ही कहती है नहीं, पहले तुम जाओ। होगू ही की माँ दोनों को देखकर जीहून को रेस्टोरेंट बुलाती है और उसे बहुत सारा चिकन खिलाती है। चिकन खिलाने के बाद होगू ही को अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ जीहून से इतने सारे सवाल पूछ रही हैं। वह जीहून को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर माफी मांगती है और कहती है सॉरी, मेरी माँ थोड़ा ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी। जी हून जवाब देता है मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलकर अच्छा लगा। फिर होगू ही कहती है अब तुम जाओ, लेकिन जी हून फिर से कहता है नहीं, पहले तुम जाओ। होगू ही घर के अंदर जाती है और उसकी माँ कहती है लड़का बहुत सुंदर है, उसे पकड़ कर रखना। होगू ही जवाब में कहती है क्या सच में आप मेरी माँ हो। फिर हम देखते हैं कि होगू ही, डियोक ही, जी हून और उसके दोस्त चा युनवू के सेट पर जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर जी हून चा युनवू से हाथ मिलाता है, लेकिन चा युनवू जी हून का हाथ तेजी से दबा देता है जिससे जी हून के हाथ में दर्द होने लगता है।